जिस उत्तर प्रदेश में मुझे मूल निवास मिला करता था, मुझे उत्तराखंड में अपने प्रदेश में मैं अपने बच्चे का मूल निवास नहीं बना सकता। तो आप इनसे पूछे, किससे पूछे कि क्यों, इसका कोई निरुत्तर है। सब वो हमें लगता है कि अगर हमारे पास मूल निवास होता, ये जो सरकार ने जो योजना बनाती है सब्सिडी से लेके नौकरी से देने से लेके, चाहे कहीं भी वो जो योजना होती है, हम जो है जो कल जो 5 साल पहले आए 10 साल पहले जिसने उत्तराखंड में प्रवेश किया, हम उसके समकक्ष खड़े हो गए। हमारा तो डेट वो फाइनली है कि जो 1950 से उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंड का मूल निवासी ही माना जाएगा, और उसमें इफ एंड बट की कोई सवाल नहीं होते कि सरकार सन 1985 भी बोलते हैं, सन 2000 भी बोलते हैं। तो हमारा तो एक ही वो है, एजेंडा है, एक ही डेट है कि सन 1950 से जो उत्तराखंड में रह रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो उत्तराखंड का मूल निवासी है। जो यहाँ का मूल है, जो यहाँ का निवासी है, उसका पहला अधिकार होना चाहिए। जल हमारे, जंगल हमारे, नदियाँ हमारी, पहाड़ हमारे, फल हमारे, लेकिन उस पर अधिकार हमारा नहीं है। इस प्रदेश में उत्तराखंड आंदोलन जैसा कोई एक बड़ा मूवमेंट फिर से जो शुरू हो सकता है तो मूल निवास को लेकर हो सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक दर्द है कि जिस भावनाओं को लेकर इस राज्य को बनाया गया था, वास्तव में वो भावनाएं अब रह नहीं गई हैं, वो अवधारणा खत्म होती जा रही है। नमस्कार, बारहमासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड मांगे भू कानून, ये नारा पिछले काफ़ी समय से आप लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर, उत्तराखंड में यदि रहते हैं तो भी सुन रहे हैं, और उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और अलग अलग माध्यमों से उत्तराखंड की खबरों से अगर आप रूबरू हो रहे हैं तो ये नारा पिछले कुछ समय में आपने लगातार सुना होगा। युवाओं से लेकर के और तमाम यहाँ आंदोलनकारी मंच से लेकर के सब लोग उत्तराखंड में भू कानून के सवाल पर लामबंद होते पिछले कुछ समय से दिख रहे हैं। ऐसी ही एक मांग जो भू कानून के साथ में जुड़ी है वो उत्तराखंड में मूल निवास की मांग है। कल यानी कि 9 अगस्त को एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, और उस आयोजन को वो जो कॉल दी है उसकी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने दी है। UKD का उसको समर्थन है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने उसको समर्थन दिया है, और तमाम कुछ अन्य संगठन हैं जो उसके लिए लामबंद हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कल एक रैली का आयोजन होने जा रहा है। वो रैली जिन्होंने आयोजित की है उसके आयोजनकर्ता हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में हैं प्रदीप कुकरेती जी, जो कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता हैं और जिला अध्यक्ष हैं। कुकरेती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में हैं लुसुन टोडरिया, और लुसुन उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल का जो स्टूडेंट विंग है उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन, उसमें भी पदाधिकारी हैं, उसमें गढ़वाल कोऑर्डिनेटर आप हैं। लुसुन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में सोमेश बुढ़ाकोटी जी हैं, सोमेश उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोमेश। और हमारे साथ में मोहित डिमरी हैं, मोहित डिमरी उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हैं, UKD से इलेक्शन भी लड़े हैं रुद्रप्रयाग की सीट से, और अभी पहाड़ी स्वाभिमान सेना जो है उसके भी संस्थापक सदस्य हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, मोहित आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरू करते हैं, कुकरेती जी आपसे ही शुरू करते हैं, कल की जो कॉल है, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि मूल निवास का सवाल जो आप लोग उठा रहे हैं, एक आम उत्तराखंडी को उसको सवाल को कैसे समझना चाहिए, उसके हित इस सवाल से कैसे जुड़े हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। सर्वप्रथम मैं पहले तो बारहमासा का धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार पूरे सामान्य जानकारी से लेकर और ज्वलंत मुद्दों को लेकर आप सबकी समझ और परख को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बारहमासा को पूरी टीम को बधाई। जिस उत्तर प्रदेश में मुझे मूल निवास मिला करता था, मुझे उत्तराखंड में अपने प्रदेश में मैं अपने बच्चे का मूल निवास नहीं बना सकता। तो अब इनसे पूछे, किससे पूछे कि क्यों, इसका कोई निरुत्तर है। सब वो हमने ये कहा था कि जो भू कानून है, जो नरेंद्र तिवारी जी ने थोड़ा सा उस समय विरोध भी हुआ, प्रतिक्रिया हुआ, सब कुछ हुआ 500 तक, फिर उस समय एक रहा कि शायद तिवारी जी ने एक ब्रॉड उसके उन्होंने कुछ सोचा हुआ है, कुछ करेंगे, लेकिन हमारे आंदोलनकारी मंच की तरफ से कहीं किसी उसमें इतर हम हटे नहीं हैं, चाहे राजधानी का मामला हो, मूल निवास का मामला हो, उसका गैरसैंण से लेके तमाम हितों को लेके, रोजगार से लेके, हर उस इशू को हमने टच किया है और संघर्ष किया है। तो जब उसमें देखा कि भू कानून जो चलता चलते 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 जब खंडूरी जी सरकार आती है, उन्होंने वो 250 वर्ग मीटर कर दिया, हमें काफ़ी रिलैक्स मिला कि चलो हम यहाँ पे भी तो ठहरे, जिसको ज़्यादा लेना है वो अपना फिर उसकी फाइलिंग प्रक्रिया होती है, सचिवालय तक जाती है, ठीक है। लेकिन प्रदेश का दुर्भाग्य ये हुआ कि आप ये देखिए कि तिवारी जी ने निश्चित रूप में उन्होंने कहा था कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, लेकिन मैं उसको दूसरी दृष्टि से देखता हूँ कि जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कुछ चीज़ों का प्रायश्चित करने का प्रयास किया,
प्रायश्चित में इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी अपनी दीर्घ सोच के नाथ उन्होंने आईटी पार्क स्थापित करने की कोशिश करी, उन्होंने इंडस्ट्री स्थापित करने की कोशिश करी, उन्होंने राज्य अधिकारियों को, क्योंकि हम लोग उस समय दुखे हुए थे, पके हुए थे हम, क्योंकि उसके बाद भी हम सड़क पर थे, हमने कहा भाई तो विधानसभा में कोई और लग रहा है, कोई कह रहा है उसकी जान पहचान थी वहाँ लग गया, कोई दरवाजे से लग गया, कोई फ्रंट से गया, कोई बैक से गया, और हम वहीं के वहीं खड़े थे। तो हमने 2002 में फिर उत्तराखंड राज्य अधिकारी मंच का गठन कर दिया और फिर हमने अपने हितों से लेकर, राज्य हितों से लेकर, हमने कहा इंडस्ट्री लग गई तो हमारे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं, तो उसमें हरीश रावत उस समय अध्यक्ष होते थे, वो स्वयं हमारे साथ धरने में बैठे कि 70% होना चाहिए, वो 70% का पालन आज भी नहीं हो रहा है। नियम कानून बने, राज्य अधिकारी नौकरी पर भी लगे, तिवारी जी दोनों सोच से उन्होंने काम किया, एक तो उन्होंने इस सोच से काम लिया कि मैंने जिन राज्य अधिकारियों का विरोध किया था तो मैं इनको रोजगार दे सकूं, इनके अनुरूप जो उन्होंने नीतियां बनाई, क्रॉस क्वेश्चन हुए, हमने कहा आपको क्यों पेंशन मिलती है, हमें क्यों नहीं मिल सकती है, कि मैं आ जाती तो पूरा भारत मांगता था, उन्होंने कहा इसमें कैटेगरी होती है, उन्होंने कैटेगरी बन, हमने कहा कैटेगरी बनाई है, उन्होंने कैटेगरी बनाई, 5 से 7 दिन जेल, उनको सीधी नियुक्ति दी, जो घायल है उनको नियुक्तियाँ दी, उससे नीचे जो जेल जो जो जेल थे 1 से 6 दिन तक उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया, उन्होंने ये नीतियाँ बना के एक। और दूसरा मैं समझता हूँ राजनीतिक रूप से उन्होंने एक तीर ये फेंका कि अगर वो ये चीज़ नहीं देते तो शायद हम लोग संघर्ष करते रहते तो हमारी राजनीतिक परिपक्वता भी बढ़ती, हम राज्य की ज़रूरतों को समझते और ज़्यादा, और हम एक कंबाइंड होकर जिसके लिए हम आज छटपटा रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो हम फिर उस समय मैं समझता हूँ क्षेत्रीय ताकत के रूप में हम लोग लामबंद होते और हम अपना प्रतिनिधित्व बहुतायत में हम वहाँ विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करते। हमें लगता है कि अगर हमारे पास मूल निवास होता, ये जो सरकार ने जो योजना बनाती है सब्सिडी से लेके नौकरी से देने से लेके चाहे कहीं भी वो जो योजना होती है, हम जो है जो कल जो 5 साल पहले आए 10 साल पहले जिसने उत्तराखंड में प्रवेश किया हम उसके समकक्ष खड़े हो गए जी, तो नुकसान हमें उठाना पड़ा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब हम लोग, हमने पिछले साल 7 तारीख को भी बहुत सटीक और जबरदस्त जुलूस निकाला था, उसका परिणाम यह हुआ कि मुख्यमंत्री को एक कमेटी बनानी पड़ी। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छे से बताया और बहुत ईमानदारी से स्वीकार भी किया कि कितनी क्या गलतियां हुई राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा। लुसुन, आपके पास आऊंगा, आप क्योंकि स्टूडेंट विंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मूल निवास का जो सवाल है ये उसी परिप्रेक्ष्य में आप बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए, उत्तराखंड के जो लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनके लिए क्यों अहम है, क्या कुछ बदलेगा अगर मूल निवास लागू होता है? देखिए, मूल निवास की मांग आसित नहीं थी कि जब लगातार अभी ये तो है नहीं कि आज ही मूल निवास की मांग हो रही है, राज्य बना तो उसके बाद भी जब स्थायी निवास हुआ, क्योंकि जो भारत का संविधान है उसने जो राज्यों का गठन किया है वो सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर किया है। तो अब जो स्थिति हो रही है कि जब हमने बेरोजगारी पे इतना बड़ा मूवमेंट होता है, जब सड़कों पे लोग आते हैं तो वो इसलिए भी आते हैं जब उन्हें लगता है कि मेरे रोजगार पे, मेरी जो सरकारी जो सेवाओं पे जहाँ मैंने सेवा देनी थी उन नौकरियों पे लगातार जो मूल निवासी नहीं है उत्तराखंड के, चाहे वो समूह गांव में हो, क्योंकि समूह गांव में अब भारत का कोई भी नागरिक या उत्तराखंड की समूह गांव में अप्लाई कर सकता है, तो जब उसको ये पता चला कि मेरी जो नौकरियाँ हैं और जो मेरे तमाम जो संसाधन हैं उस पर गैर मूल निवासियों का हमला हो रहा है, तो उसको लगा कि रोजगार के सवाल पे अब सड़कों पे आना पड़ेगा, मूल निवास के सवाल पे सड़कों पे आना होगा, क्योंकि लगातार जो भी भर्ती घोटाले भी खुले हैं और जो भी नकलचियों के नाम भी जो सामने आए हैं उससे ये पैटर्न जो आ रहा है वो यही पैटर्न दिख रहा है कि जो लगातार जो गैर मूल निवासी है, जो मूल निवासी नहीं है, उसका नाम लगातार इसमें आ रहा है। क्योंकि होता क्या है कि 2007 में भी जो खंडूरी जी सरकार आई थी तो उस समय जो मैं भूकानून से इसलिए जोड़ के बता रहा हूँ आपको कि जो 200-250 स्क्वायर मीटर की जो लिमिट कर दी गई थी ज़मीन खरीदने में, तो उसमें ये लिखा गया था कि स्थायी निवासी, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ज़मीन खरीदोगे तो आप यहाँ के स्थायी निवासी बन जाओगे। तो स्थायी निवासी की डेफिनेशन क्या है, क्या वो स्थायी निवासी और वो है जो उत्तराखंड में हजारों साल से जिसकी पीढ़ियों ने इस हिमालय को सींचा और रहने लायक बनाया, तो क्या वो स्थायी निवासी वो है जो कल की डेट में उत्तराखंड में आया हुआ है, क्योंकि ऐसा भी है कि बांग्लादेशी लोगों का भी यहाँ स्थायी निवास बन गया है, या क्या वो स्थायी निवास वो निवासी वो है जो अपने दूसरे राज्य में भी वोट डाल रहा है, यहाँ भी सरकार चुन रहा है। तो इन तमाम जो स्थायी निवास के जो ये कार्ड बने हैं, प्रमाण पत्र बने हैं, इसने मूल निवास जो युवा है उसके जो रोजगार है उसमें कुठाराघात कर दिया गया। ठीक है, एक चीज़ लुसुन, मैं आगे बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं, उससे पहले ये भी बताइए कि जब आप लोग मूल निवास की मांग करते हैं तो आपकी परिभाषा के अनुसार मूल निवासी कौन है, क्या पैमाना आप लोगों ने और आंदोलनकारी मंच ने
जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं उसका पैमाना आप लोगों ने क्या तय किया है, कौन सा ईयर डेडलाइन बनाई है और क्या उसके पैरामीटर्स? देखिए, हम तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का भी उच्चतम न्यायालय का जो डिसीजन है, जो उन्होंने बोला है कि जो 26 जनवरी 1950 का जो है कि 1950 सितंबर में उनका निकला था, कि तो 1950 से उत्तराखंड में या जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ का मूल निवासी है। तो हमारा तो डेट फाइनली है कि जो 1950 से उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंड का मूल निवासी ही माना जाएगा, और उसमें इफ एंड बट की कोई सवाल नहीं होते कि सरकार सन 1985 भी बोलते हैं, सन 2000 भी बोलते हैं। तो हमारा तो एक ही वो है, एजेंडा है, एक ही डेट है कि सन 1950 से जो उत्तराखंड में रह रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो उत्तराखंड का मूल निवासी है। ठीक है, सोमेश भाई, इतिहास पे भी बात हुई, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से पिछले 23 सालों का जो इतिहास रहा है उस पर कुकृति जी ने कमेंट किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आम लोगों को, जिन लोगों को आपने कॉल दिया है कल आने के लिए इस मांग में आपका समर्थन करने के लिए, उनको यदि आप आसान भाषा में समझाना चाहें कि कैसे ये राज्य के लोगों से सीधा जुड़ा हुआ मसला है। भू कानून के मसले पर फिर भी चर्चा हुई है, मूल निवास के मसले पर अभी उतनी चर्चा नहीं हुई कि लोग मूल निवास के मसले को सीधा सीधा ये समझ पाएँ कि इसके आ जाने से हमें किस तरह के फायदे होंगे, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात हो, या अन्य जो राज्य की योजनाएं होती हैं। तो एक आम व्यक्ति को, एक आम दर्शक को आप कैसे समझाएंगे कि मूल निवास का मसला जो है उनके हितों से कैसे जुड़ता है? जो उत्तराखंड का मूल निवासी है 1950 से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, और उसमें जो आप बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ हित की, उसमें आप ये देखिए कि जो शब्द है वो मूल निवास, वो अपने आप में ही चीज़ें क्लियर कर रहा है। जो यहाँ का मूल है, जो यहाँ का निवासी है, उसका पहला अधिकार होना चाहिए। जल हमारे, जंगल हमारे, नदियाँ हमारी, पहाड़ हमारे, फल हमारे, लेकिन उस पर अधिकार हमारा नहीं है। 1905 में इन्होंने जो वन अधिनियम बनाया, वन कानून बनाया, उसके बाद क्या हुआ, जंगलों की हालत बद से बदतर हो गई। कानून बनने के बाद चीज़ें ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन कानून बनने के बाद उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य है कि चीज़ें खराब हो गई। अभी आपने हेलंग की घटना देखी होगी, हमारी माताएं बहनें दो पुली घास तक नहीं लेके आ पा रही हैं, और जब जंगल हमारे कब्जे में थे, हमारे लोगों के पास थे, तो जंगली जानवर भी अंदर नहीं आता था, पेड़ पौधे भी लगते थे, लकड़ियां भी काटी जाती थी, घास भी काटा जाता था। तो ये चीज़ें क्यों उत्पन्न हो रही हैं? आप देखिए, जब स्टेट जब बना तो पहला मुख्यमंत्री जो बने नित्यानंद जी, बाहर से थे, उत्तराखंड के नहीं थे, तो मूल निवास की बात उससे पहले से उठ रही है। उन्होंने मूल निवास लागू नहीं होने दिया। मूल निवास अगर लागू होता है तो पहली प्राथमिकता हमारे बच्चों को मिलेगी, हमारे लोगों को मिलेगी। राज्य बनने के बाद आप ये देखिए कि लगभग 3000, ये मैं गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहा हूँ, कांग्रेस के 3500 गाँव कांग्रेस कहती है कि खाली हो गए, पलायन हो गया। जो राज्य आधे से ज़्यादा भारत को बिजली दे रहा है, जो राज्य पूरे विश्व को गंगा जल दे रहा है, उस राज्य के 1150 गांव ऐसे हैं जहां बिजली और पानी नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे मूल का जो आदमी है, हमारा मूल जो आदमी है, उसके अधिकारों को गौण किया जा रहा है। उसकी जो चीज़ें हैं उसको नहीं मिल रही हैं वो। वहीं दूसरी ओर आप देखें, सरकारी नौकरियों पे आप देखें या प्राइवेट नौकरियों पे देखें, अगर सरकारी नौकरियों की बात करें जो राज्य सरकार के अधीन आती हैं, उसमें आज की तारीख में 85 से 90% लोग बाहर के हैं, जो उच्च पदों पे हैं। या आप शिक्षा में देख लीजिए, आप स्वास्थ्य में देख लीजिए, प्राइवेट संस्थानों में आप देख लीजिए। अभी होटल व्यवसाय की अगर हम बात करें, हमारा बच्चा टिहरी का सबसे ज़्यादा बच्चा होटल लाइन से जुड़ा हुआ है, वो कहाँ है, चंडीगढ़, हरियाणा या फिर बाहर काम कर रहा है। और होटल लाइन अभी पिछले 5 साल के आंकड़े हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो इकट्ठा हुआ है वो होटल इंडस्ट्री से हुआ है। तो कौन लोग कमा रहे हैं भाई? हमारे बच्चों को क्यों नहीं वहाँ रोज़गार मिल रहा है? अगर हम, कौन ऐसा परिवार होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि उसका बच्चा उससे दूर चला जाए? या कोई ऐसा, कौन ऐसा बच्चा होगा जो चाहेगा कि मैं अपने घर से दूर चला जाऊँ? अगर मूल निवास लागू होता है, ये समझना पड़ेगा युवाओं को, कि अगर मूल निवास लागू होता है तो हर क्षेत्र में पहली प्राथमिकता हम लोगों की होगी। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये समझाएं युवाओं को कि इस लड़ाई को और मजबूत बनाएं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब क्षेत्र दल को हम मजबूत करेंगे, क्षेत्र ताकतों को हम मजबूत करेंगे। एक उदाहरण और भी मैं देना चाहूँगा इसमें, कि एक माँ के दो बेटे हैं, क्योंकि जो वर्तमान में सरकारें हैं, स्टेट में जो हमारी सरकारें हैं, केंद्र की जो सरकारें हैं, बीजेपी कांग्रेस, उसमें भी हमारे ही लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में जो नेता हैं या जो जीत के जा रहे हैं वो कहीं बाहर से आए हैं, वो भी हमारे पहाड़ के ही लोग हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि उनकी चाबी दिल्ली में है, और
आप ये समझ लीजिए कि एक माँ है, उसके दो बेटे हैं, एक दिल्ली चला गया अपने परिवार को लेके और एक बेटा यहीं रहता है उसके पास। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि माँ को अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका कौन सा बेटा ज़्यादा काम आएगा, दिल्ली वाला या जो उसके साथ रह रहा है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो आपने अपनी पार्टी का जो पिच किया है वो बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप। बोलते हैं उक्रांत को, नहीं बिल्कुल, राज्य का जो इतिहास रहा है, राज्य आंदोलन का जो इतिहास रहा है, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल की एक अहम भूमिका है जिसको कभी भूला नहीं जा सकता, दुर्भाग्य। लेकिन मोहित, आपके पास आऊँगा कि दुर्भाग्य ये भी है कि उस लेगेसी को जो यूकेडी की थी, उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड यूकेडी नहीं कर पाई। तो अब आपसे सवाल, क्योंकि आप खुद यूकेडी से जुड़े हैं, यूकेडी से चुनाव लड़ चुके हैं, तो लोगों में एक सेंटिमेंटल भाव तो है लेकिन वो कभी वोट्स में कन्वर्ट नहीं होता। हालांकि वो थोड़ा विषय से अलग हो जाएगा, उस पर हम बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, अभी फोकस करते हैं कल की कॉल पे ही, कि जो आप लोगों की कल की कॉल है उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आप लोगों को मिल रही है, और क्या आपको लगता है कि मतलब ये भू कानून का मुद्दा जो है और मूल निवास का मुद्दा जो है उस पर लोग, उस पर युवा, उस पर बेरोजगार लोग लामबंद हो रहे हैं, ये मुद्दा आगे तक जाएगा, आपको किस तरह के रिस्पॉन्स की कल एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कल देहरादून की सड़कों में स्वतः स्फूर्त हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ेंगे। उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच ने कॉल दी है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत भारी समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है और दूरस्थ इलाकों से लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हम आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन पहाड़ में कई जगह सड़कें टूट गई हैं, हो सकता है कि कई लोग इस आंदोलन में शामिल ना हो पाए, लेकिन देहरादून और आसपास के जो भी तराई के क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ से भारी संख्या में लोगों के पहुँचने का पूरा अनुमान है। और कई लोग ऐसे हैं जो कल रात को पहुँच गए हैं, कुछ आज पहुँच रहे हैं, और एक अलग सा उत्साह लोगों में देख रहा हूँ। वो चाहते हैं कि मूल निवास होना चाहिए, भू कानून सशक्त हमको मिलना चाहिए, और लोग अब ये मन बना चुके हैं आने वाले समय में कि इतने सालों में सरकारों ने उनके साथ धोखा किया है, उनकी जो ज़मीनें हैं उसकी बंदरवाड़ की जा रही है। आप देखिए कि अगर हम मूल निवास की बात करते हैं तो जब हमारा राज्य बना, राज्य उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ, तो उसी में ये प्रावधान था कि 1950 डेडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का आदेश उसी दौरान का था, वो पूरे देश भर में सभी प्रदेशों के लागू थे। लेकिन उत्तराखंड में जब पहली बार सरकार बनती है तो कट ऑफ डेट 1985 कर दी जाती है। उसके बाद होता गया है कि 2012 में एक याचिका पर हाईकोर्ट फैसला देता है कि इसकी कट ऑफ डेट 9 नवंबर 2000 हो जाएगी, जब से राज्य बना है वो यहाँ जितने लोग रह रहे हैं उस समय से स्थायी निवासी माने जाएंगे। इसके बाद 2013 में फिर हाईकोर्ट की डबल बेंच फैसला पलटती है और फिर इस कट ऑफ डेट को 1985 कर देती है। लेकिन इसी वर्ष एक शासनादेश उत्तराखंड सरकार जारी करती है, उसमें ये प्रावधान किया जाता है कि जो भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे उसमें मूल निवास नहीं अंकित किया जाएगा, स्थायी निवास होगा। यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। उस समय थे विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री, और विजय बहुगुणा जी को सिद्धार्थगंज से चुनाव लड़ना था, वहाँ पे बंगाली मतदाता बड़ी संख्या में है, वहाँ पे पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में, तो उनको लुभाने के लिए उन्होंने शासनादेश जारी करवाया, उनको स्थायी तरीके से यहाँ पे उनको वैधता दी। तो एक तरह से वहीं से ये प्रक्रिया शुरू हुई और आज हम जो देख पा रहे हैं जो मूल निवास की लड़ाई है, वास्तव में ये हमारी अस्मिता की भी लड़ाई बन गई है, क्योंकि इस राज्य की जो अवधारणा थी, एक तरह से हमारे भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग थी इसलिए हमें अलग राज्य मिला, सांस्कृतिक जो हमारा अलग परिवेश है इसको लेकर राज्य निर्माण हुआ, लेकिन वो अवधारणा खत्म हो रही है। हम देख रहे हैं कि आज स्थायी निवास ऐसे ऐसे लोगों के बन गए हैं जो कुछ साल पहले उत्तराखंड में आए हैं, जो 1985 से रह रहे हैं उनके तो बने गए हैं, लेकिन जो 4-5 साल पहले आ गए हैं, जो साल भर पहले आ गए हैं, उनके भी स्थायी निवास बन गए हैं। कहीं ऐसे रोहिंग्या हैं, कहीं ऐसे बंगाली हैं, कहीं ऐसे बाहरी प्रदेशों के लोग हैं जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ बना चुके हैं, और वो पूरी जो सरकारी योजनाएँ हों, नौकरियाँ हों, चाहे शिक्षण संस्थानों में दाखिले हैं, उनको लाभ मिल रहा है, पूरे लाभ वो ले रहे हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं अगर यही लाभ उनको जो मिल रहे हैं वही लाभ हमको मिल रहे हैं, तो जो यहाँ का मूल निवासी है जो फिर और स्थायी निवासी, इसमें फ़र्क रह क्या गया है? आपने तो इसमें कोई अंतर रखा नहीं है,
इससे कहीं ना कहीं हम लोगों का नुकसान हो रहा है। माना जो नौकरी यहाँ के मूल निवासी को मिलनी चाहिए थी, जो शिक्षण संस्थानों में दाखिले यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थे, जो सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था, वो तो कहीं ना कहीं हमारे हक पर भारी प्रदेश का आदमी राका डाला, जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ बना रहा है। दूसरा इसमें क्या है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रदेश में भी मूल निवासी हैं और यहाँ वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपना बना रहे हैं, यहाँ भी लाभ ले रहे हैं और वहाँ भी लाभ ले रहे हैं, जबकि ये संवैधानिक तरीके से ये बहुत गलत है। इसमें कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन इस पर भी आज तक कभी बात नहीं हुई। हम आपको एक उदाहरण दूंगा झारखंड का। झारखंड में 1950 मूल निवास लागू है, लेकिन अब वहाँ क्या बात हो रही है, जो 1932 से झारखंडी है उसको मूल निवास का अधिकार मिलना चाहिए। वहाँ देखा जा रहा है कि जो वहाँ के ज़मीनें हैं उसके रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, 1932 से कौन यहाँ झारखंड में रह रहा है, उसको मूल निवास का अधिकार दिया जाए, उनको लाभ दिया जाए। जो भारी लोग हैं उनको भी लाभ दिया जाए, लेकिन प्राथमिकता इनको दिए जाए, भारी लोगों को सीमित लाभ दिए जाए, उनको भी दिए जाए, वहाँ इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। और भी प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र में भी 1977 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट मूल निवास को लेकर हुआ, वहाँ की सरकार पर भी दबाव बना तो वहाँ भी 1950 लागू करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ तक कि कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ अगर अधिकतर सेवा चयन आयोग के एग्जाम देने होंगे आपको, तो जो वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर वेबसाइट पर आपको तभी एंट्री मिलेगी जब आपका आपको हो गई आप मूल निवासी हैं या नहीं है। अगर मूल निवासी आप क्लिक करोगे, अगर नहीं है तो आप क्लिक नहीं कर पाओगे, आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, आप एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। लेकिन हमारे प्रदेश में स्थिति कुछ और है, यहाँ तो समूह गांव में देश भर से कोई भी आ सकता है, एग्जाम दे सकता है, स्थितियाँ इस तरह से बनी हुई हैं। तो ये सारे संकट हमारे राज्य में हैं जो मूल निवास न होने की वजह से पैदा हो गए हैं, और स्थितियाँ बहुत गंभीर हो रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने यहाँ पे आधार कार्ड भी फर्जी बनाए हैं, वोटर कार्ड भी फर्जी बनाए हैं, बहुत बस्तियाँ यहाँ बसा दी है, और आने वाले समय में जो परिसीमन के चलते ये भी सवाल बहुत बड़ा है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों से विधानसभा सीटें कम हो रही हैं, मैदानी क्षेत्रों में सीटें बढ़ रही हैं। हमें देखते हैं कि पहले पहाड़ी क्षेत्र में हमारे पास 40 विधानसभा सीटें थी, अब 34 हो गई हैं, 6 सीटें कम हो गई हैं परिसीमन के बाद। अब आने वाले समय में माना जा रहा है कि 10 और विधानसभा सीटें कम हो जाएंगी, तो वो सीटें कहाँ होंगी मिलेंगी, वो मैदानी क्षेत्रों में मिलेंगी, और मैदानी क्षेत्रों में भारी लोगों का दबदबा ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विधायक भी भारी आदमी बनेगा इस प्रदेश में, मुख्यमंत्री भी एक दौर में फिर भारी आदमी इस प्रदेश में बनेगा। तो ये सारे संकट हमारे सामने हैं, और मैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कहीं ऐसा ना हो हम लोगों को अपने लग से पहाड़ी राज्य की मांग करनी पड़े, क्योंकि अगर यही स्थिति रही हम कहेंगे चलो ठीक है, अगर आपको इसको मिनी यूपी ही बनाना है जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, तो हम एक अलग पहाड़ी राज्य क्यों मांग ना करें, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस प्रोग्राम को हम रैप करें, उससे पहले एक बार आप सब लोगों से बहुत संक्षेप में एक एक कमेंट बस सब लोगों से इस बात पे लेना चाहेंगे कि अगर आप बहुत बहुत संक्षेप में अगर आप ये बात अपने नज़रिए से बता पाएं कि क्यों प्रत्येक व्यक्ति को मूल निवास या भू कानून जैसे मुद्दे पर लामबंद होने का समय है। और एक बात ये भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, प्रदेश के बाहर के लोग भी होंगे या प्रदेश के वो लोग भी होंगे जो मूल निवास जिसकी मांग हो रही है उस परिभाषा में नहीं आते होंगे, और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जब एक देश है, पूरा एक राष्ट्र है, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर रह सकता है, उसको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई भी कहीं भी ज़मीन ले सकता है, उसको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़ा हुआ प्रदेश है, और तमाम जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है या हमारे पड़ोस का हिमाचल राज्य है, उनकी क्या विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से वहाँ पर ये विशेष कानून लागू हैं, उत्तराखंड में ये विशेष कानून क्यों लागू होने चाहिए, बहुत संक्षेप में बस। बिल्कुल आपने सही कहा। निश्चित रूप में आप ये देखिए कि मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब उत्तर प्रदेश में हम लोग थे उस समय हमें जिन चीज़ों को हम आज मांग रहे हैं वो हमें सुविधाएं तब मिलती थी। सेना में भी हम जाते थे, लंबाई से लेके तमाम से लेके मूल निवास से लेके वो सारी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ हमारे लिए रोजगार में एक उसका काम करते थे। जब पर्वतीय विकास मंत्रालय वगैरह सब इनकी बनने की नौबत आई, ये इसीलिए हुआ। और आज आपने बहुत सही प्रश्न उठाया, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आज़ादी के बाद यहाँ पर मेरा अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई, भगवानपुर से सैनी परिवार और तमाम जो सिख बंधु जो हमारे उस समय माइग्रेट होकर यहाँ आए थे वो यहाँ रह रहे हैं। जो बंजर भूमि जिन्होंने यहाँ से लेके काशीपुर तक, रामनगर तक सब जो इस्टेब्लिश किए, मेरे मुस्लिम परिवार शिमला बाईपास आप देखेंगे काश्तकार लोग हैं, उन सब लोगों को उस मूल अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। कल को भगवान ने करे कोई ऐसी बड़ी विपत्ति यहाँ आती है, मैं एक बार को अपने गाँव वापस जा सकें, मेरे पास पूरी गुंजाइश है। जिस तरह से यहाँ पे जो आपाधापी चल रही है तराई के क्षेत्र में, हल्द्वानी से लेके तमाम यहाँ से लेके और पूरा यहाँ विकास नगर तक, ये लोग कहाँ जाएंगे जिन लोगों ने इस बंजर भूमि को उपजाऊ किया था,
ये चारों पांचों जितने यहाँ सोलंकी परिवार था, बासमती थी, वालिया लोग वो करते थे, चौहान परिवार यहाँ पे था पूरा, मैं कह रहा हूँ ना सैनी परिवार, पाल बस्ती हमारी होती थी, पाल गडरिया परिवार जो होते थे वो सब अपने मूल अधिकारों से उनको इतर कर दिया गया। और आज आप ही देखें कि रोजगार चाहे वो आप अपने खेती आप सेल्फ उससे करें या राजकीय उससे करें, देहरादून खासकर जो मैं फिर कह रहा हूँ कि तात्कालीन उत्तराखंड केवल और केवल राजकीय सेवाओं पर निर्भर था, उन्हीं की महिलाएं वो आती थी, 90 दिन की उनकी हड़ताल थी। और आज आप ये देखिए कि जो समझदार व्यक्ति है और जो सामान्य व्यक्ति है वो उस मूल निवास को समझ रहा है कि ये चीज़ें, हाँ दिग्भ्रमित कैसे करना है, राजनीति कैसे सीधी करनी है, वो थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे और वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो होनी भी चाहिए, करेंगे जिसने राजनीति करनी है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भू कानून जिस दिन इसमें लाइन अप हो गया जो हिमाचल की तर्ज पे, और जो सेवन सिस्टर्स हमारी हिमालय की हैं, उन पैटर्नों को मैं कह रहा हूँ कि आप, हमने तो बहुत बड़ा दिल है उत्तराखंड का, आप हल्की हल्की फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टेटों को मिला के भी कर लें तब भी हमारे पास अभी जो बचा हुआ है हम उसको बचा सकते हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। और एक आपके माध्यम से मैं उन सभी संगठनों को, सभी संस्थाओं को, तमाम अलग अलग विंग के लोगों ने जो इसमें अपनी आहुति जो दे रहे हैं इस भूकानून मूल निवास के लिए, और उनकी जो हमें शाबाशी मिल रही है, उनकी जो हमें ऊर्जा मिल रही है, उनके लिए मैं पुनः एक बार सभी उनको संगठनों को दलों को जो है धन्यवाद देता हूँ। और सभी जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जिन्होंने बनाए हैं उन सबका इसमें जो है सहयोग मिल रहा है। शुक्रिया लूसन, तुमसे भी वही कमेंट कि उत्तराखंड क्यों डिजर्व करता है विशेष कानून होना। देखिए उत्तराखंड एक मध्य हिमालय बेल्ट है, संवेदनशील बेल्ट है, और इसकी एक लिमिट है, और अगर ये इस लिमिट से ज़्यादा यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ भूमाफिया या ऐसे लोग आएंगे जो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये हिमालय बेल्ट खतरे में आ जाएगी। और हिमालय का खतरे में आने का मतलब पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है, मतलब एनवायरमेंटल के भी कंसर्न है, बिल्कुल हैं। और हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि भूकानून को की गहराई भी समझनी चाहिए, कि भूकानून का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारी खरीद नहीं सकता। एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है उत्तराखंड के अंदर जो भूमिहीन का जो जिसपे होने का खतरा मंडरा रहा है। कल की डेट में ऐसा हम सशक्त भूकानून इसलिए बोल रहे हैं कि सशक्त भूकानून उस आदमी को, उस व्यक्ति को बचाने, उसके प्रोटेक्शन दे, उसके भूमि अधिकारी को जो उसके अधिकार है उसको सुनिश्चित करने का हक भी दे। कल की डेट में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पूंजीपति हो, उत्तराखंड का ही हो, निवासी हो, यहाँ का मूल निवासी हो, वो किसी एक ऐसे व्यक्ति से बहुत सारी जमीन खरीद दे उत्तराखंड के ही व्यक्ति से, और उस व्यक्ति पे भूमिहीन और उसके परिवार पे भूमिहीन होने का खतरा पैदा हो जाए, तो उसके लिए सशक्त भूकानून में क्या नीति होनी चाहिए कि जो उसके भूमि के अधिकारों को सुरक्षित कर सके। तो इसलिए इस भूकानून की गहराई करने का मतलब भी हमें समझना चाहिए। शुक्रिया लोशन। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप एक पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रवक्ता हैं, तो एक राजनीतिक सवाल ही आपसे ये है कि उत्तराखंड में भू कानून और जो मूल निवास का सवाल है ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर इससे लोग जुड़ते भी हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, लेकिन क्यों ये जो सबसे बड़ी पार्टियाँ हैं राज्य में जिनकी एक एक करके सरकार रही है कांग्रेस और बीजेपी, वो लोग इस मुद्दे को कभी भी फोरफ्रंट पे क्यों नहीं ला पाते, और आप जब भी इस तरह की मांग करते हैं उसको कैसे दलगत राजनीति के तहत उसको काउंटर करने के लिए इन दलों के पास क्या उपाय होते हैं? आप देख लीजिए ना, अभी प्रदेश में अगर उत्तराखंड की बात करें, शांत राज्य है हमारा, बॉर्डर से लगा हुआ राज्य होने के बावजूद भी हमारा राज्य बहुत शांत है, देवभूमि है ये। और यहाँ अभी पिछले कुछ वर्षों में कैसी घटनाएँ हो रही हैं, भू कानून की अगर हम बात करें, भू कानून की जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, आप ये देखिए कि जो बिहारीगढ़ से आगे चले जाइए आप, किसी की 300 बीघा, किसी की 400 बीघा, किसी की 500 बीघा, और जो यहाँ का मूल निवासी है, अभी मसूरी का अगर मैं बात करूँ, 2020 में 84 परिवार जो यहाँ के मूल थे उन्हें हटा दिया गया, 2.5-3 बीघा कुल ज़मीन है उन्हें बेघर कर दिया। दूसरा अगर मूल निवास की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारे लोगों को, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी रोज़गार में, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। आर्थिक रूप से अगर मजबूती आएगी तो आप ये देखिए 94 में जो दंगे हुए थे रामपुर तिराहे कांड में, जो हमारी बहनों के साथ जो स्थितियाँ हुई, वो स्थिति तब से लेकर अब तक, अगर अंकिता के मामले में अगर हम उसे जोड़ें तो वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। 95%, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 95% मार्क्स लाने वाली बच्ची को क्या मजबूरियाँ थी जो वो नौकरी करने आ गई, यानी कि आर्थिक रूप से कहीं कमज़ोर था परिवार। अगर मूल निवास होता तो मूल व्यक्ति को मजबूती मिलती, उसके पिता को मजबूती मिलती वहाँ। तो ऐसी घटनाओं के पीछे भी ये सब चीज़ें महत्व रखती हैं और लोगों को समझना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः निवेदन करेंगे कि जो आह्वान उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने किया है उसमें सभी लोग आगे आएं और अपनी बात को मजबूती से रखें ताकि इन्हें सोचने पर मजबूर किया जा सके सरकारों को।
ठीक है, लास्ट सवाल मोहित आपसे कि ये पहली बार नहीं है आप लोग यूकेडी में भी और अपना जो आपका स्वाभिमान मंच है उसके तहत भी ये मांग उठाते रहे हैं, तो क्योंकि कानून पास करना जिम्मेदारी विधानसभा की है, विधायिका की है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको आपने पहले भी उनसे संपर्क करने या उनको ज्ञापन सौंपने की कोशिश करी होगी इन मुद्दों पर, अभी तक कोई रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से आधिकारिक अनौपचारिक किसी भी तरह से आप लोगों की उनसे कोई बात हुई है, उन लोगों का कोई रिस्पॉन्स आप लोगों तक पहुँचा है या उनकी कम से कम मंशा कोई आश्वासन या कुछ भी सरकारी स्तर पर हुआ है? देखिए, भू कानून को लेकर तो सरकार कह रही है कि हमने कमेटी बनाई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है, लेकिन मूल निवास को लेकर अभी सरकार के साथ कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। तो आगे हम अपना पक्ष रखेंगे, क्यों मूल निवास हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्यों है, हम और राज्यों का भी उसमें उल्लेख करेंगे, जिन लोगों ने मूल निवास 1950 लागू किया है वहाँ क्या क्या प्रावधान है, और जो गैर मूल निवासी हैं उनको हम किस तरह से लाभ दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो मूल निवास की बात कर रहे हैं 1950 से जो उत्तराखंड में रह रहा है और जो उसके बाद यहाँ रह रहा है उसको हम भगाएंगे यहाँ से, ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं। भाई ये है कि जो मूल निवासी हैं उनको पहला अधिकार उनका होना चाहिए और सीमित दायरे में जो गैर मूल निवासी हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। और हम संविधान की भावना से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, संविधान ने ही हमको ये 1950 का जो मूल निवास है वो दिया है, इसी तरह हम कहीं भी बात नहीं करें, क्योंकि देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, घूम सकता है, तो इसमें हम उससे बाहर कोई भी बात नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ अपने अधिकार की बात है वो तो हम लेकर रहेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी इस प्रदेश में आ जाए और हमारे अधिकारों का हनन करे, हमारे अधिकारों को छीने, इसे भी हम बिल्कुल बर्दाश्त के करने की स्थिति में नहीं है। और हम सरकार से चाहेंगे कि इस ज्वलंत मुद्दे पर, जो मूल निवास 1950 का मुद्दा है, इस पर आप तुरंत फैसला लें, ताकि भविष्य में कोई इस तरह से पूरे प्रदेश में माहौल न बने कि लोग सड़कों पर उतर कर मूल निवास के लिए आंदोलन शुरू करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस प्रदेश में उत्तराखंड आंदोलन जैसा कोई एक बड़ा मूवमेंट फिर से जो शुरू हो सकता है तो मूल निवास को लेकर हो सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक दर्द है कि जिस भावनाओं को लेकर इस राज्य को बनाया गया था वास्तव में वो भावनाएं अब रह नहीं गई है, वो अवधारणा खत्म होती जा रही है। यहाँ की जो सबसे बड़ा संकट हमारे सामने, हमारी जो सांस्कृतिक अखंडता है वो खत्म हो रही है, तो उसकी चिंता हम लोगों के सामने है, अस्मिता की चिंता हम लोगों के सामने है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ ना हो, तो इससे पहले उनको मूल निवास लागू कर देना चाहिए और सशक्त भू कानून लागू करना चाहिए। हम देखते हैं कि एक बात हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते कि भू कानून तो लागू है, आज से नहीं है, कई सालों से है, कैसा भू कानून चाहिए, लोग इस बात को नहीं समझते हैं। सशक्त भू कानून चाहिए तो भू कानून कैसा होना चाहिए, हाँ। इस पर बात होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पहली बार सरकार बनी, नित्यानंद स्वामी अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने, वहीं से जमीनों की लूट शुरू हुई थी इस प्रदेश में। उन्होंने शैक्षणिक संस्थान के नाम पर कौड़ियों के भाव जमीन दी, उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव जमीन दी, इसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा, और 2018 में तो हद पार हो गई, अब तो इस प्रदेश में एक इस बात को सोचने लायक है कि 12.5 एकड़ जमीन का जो प्रावधान था, जो एक काश्कार रख सकता था 260 नाली तक, अब ये स्थिति हो गई कि काश्कार के अलावा कोई भी भारी आदमी 260 नाली से ऊपर, यानी 12.5 एकड़ से अधिक भी जमीन इस प्रदेश में उद्योग के नाम पे ले सकता है और उसको जमीन उसका लैंड यूज भी चेंज करवा सकता है आसानी से, और आसानी से चेंज करवा सकता है, उसके लिए कोई अलग से प्रक्रिया भी नहीं अपनानी पड़ेगी। अब आप देखिए, वो जो जमीन खरीद रहा है उसका वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, उस पर वो जो दुकान लगा रहा है वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, ये कहीं रिजॉर्ट बना रहा है, तो जो रिजॉर्ट कल्चर भी इस प्रदेश में शुरू हुआ है वो एक तरह से हमारे लिए भी, हमारी संस्कृति के लिए एक तरह से मुफीद नहीं है, यहाँ की संस्कृति के लिए। वहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जो हमारे कल्चर से मैच नहीं खाती हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि इस तरह से कल्चर यहाँ फले फूले। तो भू कानून की, जो सशक्त भू कानून, हम इसलिए चाहते हैं कि हमारी ज़मीनें बचे, क्योंकि ज़मीनें भी एक तरह से खत्म हो रही हैं। 13% हमारे पास कृषि भूमि थी, जिसमें से करीब करीब अब 9% हमारे पास ज़मीन रह गई है, और माना जा रहा है कि करीब 1,00,000 हेक्टेयर ज़मीन हमारी खत्म हो गई है, और हर साल 5,00,000 हेक्टेयर जो आंकड़े आ रहे हैं कि ज़मीन कृषि भूमि खत्म हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है, एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास कृषि के लिए ज़मीन बचेगी नहीं,
तो ये बहुत भयावह स्थिति इस प्रदेश में हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हिमाचल में एक मजबूत भू कानून है, वहाँ कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य के लिए बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता है, ऐसा कानून हम चाहते हैं इस प्रदेश में भी सरकार बनाए। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। बाकी मैं बारामासा की टीम का और राहुल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम सबको इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल किया। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कल 9 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में लोग परेड ग्राउंड पहुँचे और मूल निवास और भू कानून की जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसको मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए इस संघर्ष में साथ दें। बहुत शुक्रिया मोहित। मोहित ने कुछ तकनीकी पहलुओं पे जो बात करी भू कानून से रिलेटेड, जैसा उन्होंने कहा कि भू कानून क्या है बहुत लोग नहीं जानते हैं। इस पर दो कार्यक्रम हम लोगों ने विस्तार से बारामासा पर किए हैं। एक व्याख्या है जिसमें जिस पर आप जिसको देखकर समझ सकते हैं, एक लिंक उसका हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून का क्या इतिहास रहा है, उसको बदलने के लिए कौन लोग जिम्मेदार रहे हैं, आज की क्या स्थिति है, भविष्य क्या हो सकता है। और उसके साथ ही एक एक्सपर्ट टॉक भी है जिस पर UPZALR यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट, जिसको भू कानून का आधार माना जाता है, उससे किस तरह की तकनीकी छेड़छाड़ हुई ताकि आप लोग बेहतर समझ बना पाएं कि भू कानून का सवाल असल में है क्या। और हम कोशिश करेंगे जल्द ही मूल निवास के सवाल पर भी एक विस्तृत व्याख्या करें ताकि उसके तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा हो सके। आज हमारे साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ शामिल हुए और अपनी बात आपने बताई। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है भू कानून और मूल निवास के सवाल पर, वो भी टिप्पणी करके ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिएगा बारामासा।